हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स सब्ज़ी। इधर हमारा चुकंदर है, गाजर है, टमाटर है, इधर आलू है और गोभी है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम साफ़ कर कर काट लेंगे। और जी मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, बहुत सरल तरीके से बनकर तैयार होगी। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कितने सरल तरीके से इसको बनाकर तैयार करती हूँ मैं। देखिए दोस्तों, इधर हमने सारी सब्जियां कट कर ली हैं। इधर हमारी सब्जियां तो कट हो गई हैं और इसमें हमने दो मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उनको भी काट लिया। चार हरी मिर्चें हैं जो बीच से दो टुकड़े कर दिए हैं। और इधर हमने चुकंदर भी इस तरह से काट लिया। और जो पत्ते जो है हमारे को चुकंदर, उनको फेंकना नहीं है, इनका भी हम यूज करेंगे। सब्जी जब बनेगी तब हम उसको बताएंगे। और इधर थोड़ा सा जीरा लिया है और चार पांच दाने काली मिर्च के, इनको बारीक कूट लिया है। थोड़ी सी हमारी दालचीनी है। और इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, इनको हम जीरा काली मिर्च साथ में दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा इसको हम डाल देंगे। और प्याज भी साथ में डाल देते हैं। प्याज भी डाल दिया हमने, साथ में हरी मिर्च भी जाएंगे, इसको भी डाल दिया है। अब हम इसलिए छोड़ देंगे। और इधर हम सब्जियों की मात्रा बता देते हैं। इधर हमने गोभी ली थी, वो 500 ग्राम है। आलू हमारे 300 ग्राम है, गाजर भी 200 ग्राम है। और एक हमने चुकंदर लिया था, कुछ मटर के दाने थे, उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं है। आलू हमारे 200 ग्राम है, ज़्यादा नहीं है। हमारा प्याज भुन रहा है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि किसी प्रकार से हमारी भारत की महिला, नारी जो भी है, बेचारी बनकर घर पर ना रोए, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर हमारा प्याज हल्का हल्का भुनने लगा है, इस तरह से हम इसको चला देंगे। थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। और मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगी, अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, मुझे उषा ब्लैक फूड मैम बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उनका जो संघर्ष रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा है। पर कहते नहीं हैं, मेहनत करते तो कामयाबी ज़रूर मिलती है, तो मैं उन्हीं की जैसे कुछ बनना चाहूँगी। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो एक अच्छी और बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। मेरे लिए उतना बहुत ही मुश्किल है वहाँ तक इतनी आसानी से पहुँचना। तो मैं बताना चाहूँगी, जब तक किसी की सपोर्ट नहीं होती तब तक इंसान कुछ कर नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे बढ़ने का कुछ मौका मिले। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से। और इधर मैंने टमाटर डाल दिए हैं और साथ में मैंने इस कटोरी में नमक स्वाद अनुसार लिया, एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया, एक चम्मच लाल कुटी मिर्च ली है। इस तरह से आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। और इसको अच्छे से हम मिला देंगे और 5 मिनट के लिए पकने के लिए इसको छोड़ देंगे हम इसी तरह से। और इधर हमने चुकंदर के जो पत्ते थे उनको बारीक काट लिया है। अब इनको इसी मसाले में हम डाल देंगे और अच्छे से मिला देते हैं, क्योंकि साथ में ये भी अच्छे से भुन जाए मसाले के साथ में। क्योंकि हम अपने तरीके से सब्ज़ी को बनाएंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और इधर हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। और इधर हमने सारी सब्जियां डाल दी हैं, इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। और इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं लगाना, हमें सूखी सब्जी बनानी है, तो इस तरह से हम सारी सब्जी को चला। और इधर हमने सारी सब्जी चला कर रख दी है, गैस की आँच को हमें थोड़ा कम रखना है, क्योंकि हमें सूखी सब्जी बनाना, पानी डालना नहीं तो हमारी सब्जी जल जाएगी। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं,
बन गई है हमारी सब्जी। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बनी हमारी सब्जी, कितना अच्छा कलर भी आ गया है चुकंदर की वजह से, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसी तरह से आप बनाइएगा ज़रूर। अब इसमें धनिया डाल देंगे हम, इसमें धनिया डाल देते हैं। और देखिए किस तरह से हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है बढ़िया। अगर हमारी सब्जी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।